एंड ब्रो यहाँ पे बाइक एकदम बब्बाल बब्बाल है, राम रो बाइक चैन। तो ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स भाई। भैया बाइक नीचे ही अपनी? नीचे देख रहे हो बहुत सारी बाइकें खड़ी है, बट इनमें से गैस करना कौन सी बाइक है। मैं सोच रहा हूँ कोई नई मशीन आए रॉयल इनफील्ड पे, देन तब उसको परचेज कर, जैसे कि ये आ रही है ब्रो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब रिवील होने वाली है कि अपना बाइक कौन सी बाइक ले रहा है, देख सकते हो। आप की कौन सी बाइक है। तो ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स भाई। तो कैसा लग रहा है आपको रॉयल एनफील्ड की फैमिली में ज्वाइन होके? भाई बढ़िया, एक नंबर। तो बोलो तो इनमें से, वैसे बाय द वे आपकी कौन सी मनपसंद बाइक है इनमें से? बोलो जो ले रहे हो वो तो अलग छोड़। कॉन्टिनेंटल एक नंबर बाइक है। कॉन्टिनेंटल भाई, कैफे रेसर भाई लगती है मेरे को ब्रो। एक नंबर बाइक लगती है, बाइक तो एक नंबर के ब्रो। एंड जो ये ना टैंक भी, ये भी ऑसम लग रहा है, वो तो शाइनिंग शाइनिंग पूरा अपना फेस देख सकते हो यहाँ पे। अब कैफे रेसर वाला लुक है। एंड ये देख सको इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर का ये सीन है भाई, सिटी राइड के लिए एंड टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। एंड यहाँ का देख सकते हो भाई ओवर ऑफ, वो तो यहाँ का जो इंटीरियर है ना रॉयल एनफील्ड का, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, रॉयल वाली फील आती है। और शोरूम का नाम भी रॉयल एनफील्ड है। देखो यहाँ देख सकते हो पूरा भाई साहब बॉडी पार्ट पूरे रखे हुए हैं, एक एक्सेसरीज। एंड यहाँ पे खड़ी है मीटियोर। एंड यहाँ पे खड़ी है मोस्ट बिकने वाली रॉयल एनफील्ड की, ये है हंटर, मोस्ट सेलिंग बाइक। सॉरी ब्रो तुम मुझे सिखा रहे हो, ले सकते हैं शायद, इसे भी ले ले, अभी थोड़ा चॉइस चूज कर रहे हैं कि कौन सा ले। एंड देख सकते हो तुम्हारा भाई कुछ ऐसा लग रहा है ऑफिसर डायरेक्ट उठ के आएगी, भाई का सडनली प्लान बन गया कि आज बाइक लेनी है। तो मैंने सोचा चलो भाई, एंड कैमरा मैंने कैरी कर रखा था, मैंने चलो इसी लगे हाथ ब्लॉग बना ले। एंड फर्स्ट ब्लॉग है ये अपना डिलीवरी का, बोले तो रॉयल एनफील्ड में डिलीवरी लेने आया है। एंड ऑफिस लोग तुम्हारा भाई कुछ ऐसा लगता है, कॉमेंट सेक्शन में बताने कैसा लग रहा है। तो भैया आ चुके, भैया बाइक नीचे ही अपनी? नीचे देख रहे हो बहुत सारी बाइकें खड़ी है, बट इनमें से कैश करना कौन सी बाइक है। तो ज़्यादा भाई इसके लुका छुपी नहीं खेलते, तो वो रही अपनी बाइक जो साफ हो रही है। तो बेसिकली गाइस अपने को भी बहुत जल्दी अपडेट करना था अपने व्हीकल्स में, तो समझ में नहीं आ रहा कि रॉयल फील्ड के लूँ या कुछ और ब्रांड पे जाऊँ। तो अभी वही देखने आया था, मैंने कहा लगे हाथ थोड़ा हम भी देख लेते हैं कि कौन सी बाइक सही है कौन सी बाइक सही नहीं है। बट भाई मेरे को हंटर 350 अच्छी लग रही है, हिमालयन भाई, हिमालयन में भी दिल है। बट सीन ये है हिमालयन का भी मेरे को प्लान इतना बन नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कोई नई मशीन आए रॉयल एनफील्ड पे, देन तब उसको परचेज कर, जैसे कि ये आ रहा है ब्रो, ये भी बहुत सही बनाई है। एंड अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से बहुत सही है ये। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की राइडिंग जैकेट, ये भी राइडिंग जैकेट है क्या? बट इसके प्रोटेक्टर कहाँ पे है? या तू बोल ले या मुझे बोल ले दे। हम क्यों बोले दोबारा, हम मेरी ऑडियंस भी समझ आ रहे पढ़ लेगी पीछे। एंड ब्रो यहाँ पे बाइक एकदम बब्बाल बब्बाल है, राम रो बाइक चैन, मेरा भाई भी देखते हैं कौन सी बाइक लेने वाले। एंड यहाँ पे खड़ी है क्लासिक। तो बेसिकली गाइस अभी एक न्यूज़ पता चली है, तो
रॉयल फील्ड की 650 लॉन्च होने वाली है, मिटियोर, मतलब सुपर मिटियोर कमिंग सून। तो गाइज अब रिवील होने वाली है कि अपना भाई कौन सी बाइक ले रहा है, तो देख सकते हो फाइनली हंटर 350 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू भाई। एंड ये है रेबल ब्लू। एंड भैया कैसा इसका रिव्यू, मार्केटिंग में कैसा इसका सेल पे भी है, क्योंकि बहुत बंदों के पास मैंने देखे रोड में काफ़ी दिखती है ये। मतलब कि सर एक्चुअली थोड़ा सा ये बाइक इतनी अच्छी बनाई है, लाइट वेट बनाई, छोटी लाइट बनाई है। हाँ जी, इसमें मुझे एक ऐसा कुछ पॉइंट बता सकते उसका हाईलाइट पॉइंट है जो आपको भी अच्छा लगता है। सर इसकी एक तो कटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, कटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी छोटी है और हल्की है। हाँ ये तो है, तो ये चलाने में थोड़ी बेस्ट लगती है। तो भाई देख सकते हो मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं अभी सोच रहा हूँ वाला टाइम में ये लेने का, तीन चार बाइक में कंफ्यूज हूँ कि कौन से लूँ। एक तो इसका ही मन लग रहा है बिकॉज ये पॉकेट फ्रेंडली है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये हर बंदा मिडिल क्लास वाला इसको परचेज कर सकता है इजीली। 350 cc के ऐसा कंपेयर में देखा जाए तो, अगर किसी और ब्रांड में जाओगे 350 cc में तो 4 lakh के अराउंड। व्हील छोटे दिए हैं। हाँ व्हील छोटे दिए हैं, सॉकर्स भी इसके अच्छे दिए। मेन चीज़ का मेरे को स्पीडोमीटर सेक्सी लग रहा है, स्पीडोमीटर सेक्सी है, तो उसकी थीम निकाल रखी है 3-4 अलग अलग वेरिएंट कलर में, वो भी बहुत सेक्सी लगते हैं। एंड लुक इसका थोड़ा हटके दिया है इस बार रॉयल एनफील्ड वालों ने, तो ये चीज़ मुझे, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। ओके थैंक यू सो मच ब्रदर। तो ब्रो कैसा है तेरा नेक्स्ट प्लान, फ्यूचर के साथ कैसा बोलते, क्या सोचा इसके बाद, ये कितने टाइम तक चलाएगा या कोई दूसरी लुक? ये ड्रीम है। ओह ये तो मेरी भी ड्रीम है, बट मैं सोच रहा हूँ, हाँ ब्रो ये भी ड्रीम है बट इसके लिए भी कितना टाइम लगेगा तेरे को लेने में? वैसे ये ले ली तूने मेरे पैसे से, गजब बेइज्जती है। कह सकते कोई बात नहीं भाई, तो भाई ने वो पैसे इस वीडियो के थ्रू वसूल लिए हैं। तो ब्रो एक बार थोड़ा अपने को भी देखना, तो भाई थोड़ा बैटरी कैसी है, सेक्सी हो ना ब्रो, तो भाई अच्छी बात, लोअर बैक जाएगी कैफे रेस भाई, क्या मजा ऊपर देख इसको भगाने का, भाई साहब अलग ही लुक है, अलग ही पावर है इसके अंदर, किलिंग मशीन है ब्रो ये। चलो अब बाहर निकालने का टाइम आ गया, अपनी गाड़ी वॉश हो चुकी है तो निकलते हैं। कैसे चलती है और जीटी कॉन्टिनेंटल तो गाइस ड्रीम है भाई, ड्रीम है ये भाई बंदों का, ड्रीम बोलो मेरा ड्रीम नहीं है हाँ, बट अपने क्रास में होनी चाहिए भाई, अपना सीन है। एक्सेसरीज है ठीक है, बहुत प्यार से पका रहे हो। तो यहाँ भी आ चुकी है इंटरसेप्टर। तो बेसिकली गाइस अब थोड़ा पेपर वर्क का काम चल रहा है, पेपर वर्क का काम होते ही निकलते हैं यहाँ से एंड आपको दिखाते हैं रोड प्रेजेंस का कैसा है, थोड़ा रोड में चलते हैं, थोड़ी बहुत चलाते हैं फिर बताते हैं वो कैसे हुआ है। तो कैसे हो अंकल, ठीक हो? बोलो गाड़ी आपकी रेडी है, बाइक रेडी है, कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है आउट ऑफ द शोरूम, आउट ऑफ द शोरूम। तो अपनी गाड़ी आ चुकी है विदाउट नंबर प्लेट। कितने तक चलानी है इसको मैक्सिमम? 50-60 मिलते थोड़ी देर में। किसने बनाया है? ऑफिस सीधा यहाँ भाई ने बोला भाई डिलीवरी ले रहे, तो देखा आप क्यों नहीं आते भाई की डिलीवरी में, भाई सॉरी बाइक की डिलीवरी में चला के देखो। बेसिकली गाइस भाई बहुत सही है, चला के देखो यार, एक राइड मार के देखो, तो ब्रो मजा आ गया भाई, इनसेन भाई, स्मूथ लगी। वैसे रॉयल फील्ड की बाइक सीखने थोड़ा सा वो कहते हैं वो वाइब्रेट करती है, बट ये मेरे को बहुत स्मूथ लगी एंड मज़ा आ गया भाई देखने में एंड चलाना भी मज़ा आ गया। एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी एंड ऐसी नेक्स्ट बड़ी सी वीडियो। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लैम्पिन चैनल, इस वीडियो को फैला दो यारो।
All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.